सो हेड से एवरीबॉडी, कैसे सब 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 लेवल बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलेंगे RSI मतलब रेलवे सर्विस सिमुलेटर इंडिया, जिसका अभी रिसेंटली अपडेट आया है, अच्छा मतलब बड़ा सा, जिसमें दानापुर तक एक्सटेंड किया। आपको पता होगा मैंने पिछले वीडियो में आप बताया था, अगर वो वीडियो देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख लेना। एंड आज हम चलाएंगे जन शताब्दी एक्सप्रेस जो जाएगा दानापुर से पटना, जो हावड़ा पटना वाली है जन शताब्दी, वो ICE वाली चलाएंगे हम लोग। तो अभी हम लोग दानापुर में हैं एंड होम जाके हमने पीछे कपल करेंगे यहाँ जाके। एंड वो बगल में रोड, वो रोड में गाड़ियाँ चल रही है, बस बस जा रही है। चलो हम जाके जल्दी से कपल करते हैं अपनी ट्रेन को एंड इसकी जल्दी से लेके जाएंगे इसको पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। बीच में बहुत सी क्रॉसिंग्स होंगी एंड गाइस ट्रैक साउंड्स में गाइस बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, बगल में वो वैब वन के साथ में कोई उत्कृष्ट ट्रेन अराइव कर रही है दानापुर पे। चलो यहाँ पे हमारी हो चुकी है कपलिंग एंड अब चलो रिवर्स होकर जो है फॉरवर्ड में कैब में आते हैं। डोर्स तो हमने खोल दिए हैं एंड चलो होम जाते हैं, डिपार्ट कर देते हैं दानापुर से। हॉर्न बजा दिया एंड अब हम लोग करते हैं डिपार्ट। छोड़ में 20% का दिया है जिससे स्पीड मेंटेन रहेगी, मतलब 29 की स्पीड में रहेगी जब तक 30 की लिमिट है। चलो यहाँ पे धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ रही है एंड ये रहा कुछ कैब व्यू है, विजयवाड़ा वैप 4 लोकोमोटिव, अच्छा है इसका जो भी इंटीरियर है। एंड ये हमारे जन शताब्दी के कोचेस एंड यहाँ पे देखो दानापुर का बोर्ड लगा हुआ है। हम लोग डिपार्ट कर दिए दानापुर से, पटना तक जाएंगे हम लोग एंड अभी तो 30 की लिमिट है तो 29 पे हम लोग जा रहे हैं। एंड डोर व्यू पे आकर देखते हैं तो देखो ट्रैक साउंड्स आ रही है अच्छी अच्छी, बहुत बड़े ट्रैक साउंड्स पे भी वर्क किया है डेवलपर्स ने। सिग्नल्स भी अच्छे खासे ऑटोमेटिक हैं, बहुत अच्छा अपडेट है ये अभी इस गेम के लिए जो आया है। हॉर्न बजाते हैं हम लोग चलते हैं, ट्रैक चेंज हो रहा है एंड धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं मेन लाइन पे। बेटा मेन लाइन का सिग्नल तो ग्रीन हो रखा है और मेरा सिग्नल भी ग्रीन है, पता नहीं क्या वो क्या सीन है। चलो हमें तो सिग्नल ग्रीन मिला है तो हम चलते हैं। सामने कोई ऊपर देखो ब्रिज आ रहा है तो यहाँ पे देखो हमारा ट्रैक चेंज जो है कर्व पे छोटा सा हमारी ट्रेन एंड अब धीरे धीरे हमने कर रही है मेन लाइन ज्वाइन, बस होने वाली है एंड 65 यहाँ पे हमको लिमिट मिल चुकी है। एंड यहाँ पे देखो येलो सिग्नल है, मतलब कोई ट्रेन आ सक्ती है एंड मैं स्पीड क्यों नहीं बढ़ा रहा हूँ। चलो 45% पे हमने डाल दिया थ्रॉटल को, जिससे जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगी, सिग्नल 64 KMPH तक जाएगी एंड यहाँ पर सिग्नल तो ग्रीन हो चुका, मतलब जल्दी कोई ट्रेन यहाँ पे हमें क्रॉस करने वाली है। एंड भाई सीनरी बहुत अच्छी है इस गेम की एंड अपडेट में देखो बगल में खेत वेत है, यहाँ पे दानापुर के आउटर में आपको देखने को मिल रहा है और टेक्सचर्स गाइस देखो टेक्सचर्स वो बड़े अच्छे हैं। एंड ये रहा इस बैक वाला जो वो गार्ड रूम होता है। चलो हम तो चलते हैं एंड देखते हैं कौन सी ट्रेन हमें क्रॉस करने वाली है। एंड यहाँ पे
कोई लाइन जा रही है किसी साइड, अब कहाँ जा रही है मेरे को नहीं पता, बट ये दानापुर से होते हुए जा रही है। बट यहाँ पे जो दानापुर है वहाँ पे जरूर जंक्शन नहीं लिखा है, अब ऐसा क्यों है मेरे को नहीं पता। शायद से ऐसा होता है कि जहाँ जंक्शन नहीं लिखा होता है वहाँ, तब भी अगर वहाँ पे रूट जाता है यहाँ पर जो गरीब रथ की दुरंतो एक्सप्रेस की क्रॉसिंग हो रही है, वेपन्स को लेके जा रहा है। यहाँ पे ऐसे चलो हम लोग इस ट्रेन ने हमें क्रॉस कर दिया है एंड अभी हम स्किप करने वाले हैं फुलवरी शरीफ रेलवे स्टेशन को, जो वही पटना से कुछ 5 किलोमीटर दूर है जहाँ तक। एंड यहाँ पे कोई लेवल क्रॉसिंग का भी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एंड सामने वो आ चुका है हमारा फुलवरी शरीफ, हम क्रॉस कर रहे हैं हमसे एंड हॉकिंग के साथ 80 लिमिट हमको मिल चुकी है, फुल हॉकिंग के साथ हम लोग कर रहे हैं अभी फुलवरी शरीफ को स्किप। एंड तो गाइस वो एरोप्लेन यहाँ पे बहुत तेजी में गया है, चलो कोई नहीं। एंड गाइस ट्रैक साउंड्स बहुत अच्छी सी आ रही है, जैसा आपको सुनाई दे रहा होगा बहुत अच्छी ट्रैक साउंड्स आपको सुनने में मिल रही है। एंड अभी कोई कर्व पे एंड विजयवाड़ा के वेपन के साथ हम लोग चल रहे हैं 78 की स्पीड में, 55% पे मैंने थोड़ा लगाया था हॉकिंग के साथ में, हम लोग चल रहे हैं अपनी ट्रेन के साथ। एंड सामने अब हम क्रॉस करेंगे जो स्टेशन आएगा वो है फुलवरी सचिवालय हॉल्ट, फुलवरी शरीफ को तो हम लोग पहले ही क्रॉस करके गए थे। एंड यहाँ पे देखो आईएसएफ राजधानी की क्रॉसिंग होने जा रही है पूरी बार, देखो एकदम मस्त लग रही है हमारी आईएसएफ राजधानी एक्सप्रेस। क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस कर रहे सचिवालय हॉल्ट को, ये और ये इसमें 2 मेन लाइन है और 1 लूप लाइन है, फुल हॉकिंग के साथ में हम कर रहे हैं स्टेशन को स्किप। एंड 65 की लिमिट मिलने वाली है हमें तो उस पर भी ध्यान देना है, आज आई चुकी है तो धीरे करते हैं एंड थोड़ा रख रहे हैं 45 पे ताकि जो हमारे अच्छे 40 पे ठीक है ताकि हमारी स्पीड मेंटेन रहे। पीछे वाले सिग्नल पे वाले येलो रखा है, चलो अभी देखते हैं कौन सी ट्रेन हमको क्रॉस करने वाली है, यहाँ सिग्नल तो रेड हो रखा है, कैसे पूरा आसमान चमक रहा है, कैसे शायद ये शाम का वक्त हो रहा है। एंड ये डोर भी होते हैं हम लोग एंड 50 की लिमिट हमको मिल चुकी है, तो 50 की स्पीड से चल रहा है, 35% पे हमें थ्रॉटल दिया था। एंड यहाँ कोई गरीब रथ एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है हमें एंड यहाँ हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है एंड अब हम लोग अराइव कर रहे हैं पटना जंक्शन पर, यहाँ पे गरीब रथ एक्सप्रेस जा चुकी है एंड अब हम लोग अराइव कर रहे हैं पटना जंक्शन पे, शायद से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अभी हम लोग अराइव कर रहे हैं। एंड ऊपर देखो कोई हाईवे है, मतलब हाईवे नहीं ऊपर से कोई मतलब गाड़ियां जा रही हैं, चलो उनको तो जाने देते हैं, हम अपना चलते हैं। एंड यहाँ पे सिग्नल येलो तो रखा है, बड़ी ये जो सामने ट्रेन खड़ी है ये जा नहीं रही है, पता नहीं क्यों, शायद से हम लोग एंटर कर रहे हैं अभी तो उस वजह से इसको सिग्नल नहीं मिला है,
मतलब मिला मिला तो हुआ बट शायद से सिग्नल में गड़बड़ी आ गई होगी। तो चलो गाइस जहाँ मिलता है किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मेरे को सपोर्ट करना एंड मैं आपके लिए ऐसी भी वीडियोस हर दिन लाता रहूँगा। मेरे को पता है ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई बट कोई नहीं, देखने के लिए शुक्रिया एंड मैं आपसे मिलूँगा किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।